देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कल गंगोत्री धाम के लिए रवाना होंगे सीएम। धामी कपाट खुलने के मौके पर मौजूद रहेंगे सीएम धामी। दोपहर में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। एयरपोर्ट पर सीएम योगी का करेंगे स्वागत। कल आपको बताएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां पर गंगोत्री धाम के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। कपाट खुलने के मौके पर मौजूद रहेंगे। दोपहर में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। तो कपाट खुलने के मौके पर सीएम धामी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, चारधाम की शुरुआत कल से होने जा रही है। 3 मई की कल तारीख है और श्रद्धालुओं की भी भारी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। कल गंगोत्री धाम के लिए सीएम धामी रवाना होने जा रहे हैं। कपाट खुलने के मौके पर सीएम धामी की वहां पर मौजूदगी रहेगी। लगातार प्रदेश सरकार और प्रशासन भी काफी सख्त नजर आया, सतर्क नजर आया तैयारियों को लेकर चारधाम की यात्रा को। दोपहर में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी पहुंचेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का वो स्वागत करेंगे। तो चारधाम की कल से शुरुआत होने जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल पहुंच रहे हैं। तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी उनका स्वागत करने के लिए कल पहुंचेंगे। फिर आपको बताएं कि सीएम योगी के साथ यमकेश्वर के लिए वो रवाना होंगे। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस बार की यात्रा ऐतिहासिक होगी। चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है और यह भी कहा है कि इस बार की जो यात्रा बहुत बेहद ऐतिहासिक होगी, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएम का ये बड़ा बयान समय आया है। देखिए, इस बार जो यात्रा है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। उसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है तो यात्रा में संख्या ज्यादा होनी है और ये हमारे लिए चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। गर्मी सताए तो क्या करें।